एक बार तेरे को। अच्छा हाँ वही वही वो। और एक घर वाले करा रहे यार एंजॉय। वो पता है क्या, कहाँ की लड़की, देखो पता है दिल्ली? नहीं नहीं दिल्ली वाली नहीं, मेरे घर के यहाँ के जो सगाई होंगी, आराम आराम है, ऐसा बोल दो उसको। मम्मी ने बोला था चाहे जो मर्जी कर, एक की हो गई ना लव, अब मेरे को एक अरेंज चाहिए। सीधी साहब बात, हमारा एक का सपना है। तो पार्शियलिटी क्यों आपके साथ भाई, छोटा हूं ना छोटा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक है आप सब लोग एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो भाई आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है काफी ज्यादा लेट, रात के समथिंग बज रहे हैं 10, ठीक है। तो थोड़ा सा ना शेड्यूल अप डाउन हो रहा था, बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई ब्लॉग 3 डालेगा हफ्ते में, तो मतलब डालेगा, एक डाल चुका हूँ, बाकी 2 शूट करेंगे, डाल देंगे। आज है सेकेंड ब्लॉग ये वीक का, और रात के 10 बजे मील देख लो। एक सेकेंड, अच्छा दिख रही है, ये पनीर, 2 रोटी और सैलेड। तुम्हारा भाई चल रहा है डेफिशिएट पे, इसलिए सैलेड, इसलिए क्योंकि इसमें कैलोरीज कम रहती है, तो पेट थोड़ा फुल फिट रहता है, तो दूसरी चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। 2 रोटी पनीर की सब्जी पेट भर के खाएंगे। और वैसे मैं सैलेड नहीं खा रहा था यार, मैं पनीर की भुर्जी दोनों में से कोई एक ही खाता था, बट आज था तुम्हारे भाई का नेक्स्ट लेवल, फट चुकी थी तो भूख ज़्यादा लग रही है। और अभी बाहर जाऊँगा तुम लोग के लिए ब्लॉग शूट करना, तो बाहर कुछ ना खा लूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पहले से ही फुलफिल करके जा रहा हूँ कि बाहर भूख ना लगे। तो फटाफट ये निपटाते हैं और बाहर चलते जाके आपको सीन दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। ओके, बाकी ठंडी बहुत है, बट फिर भी जाएंगे ब्लॉग करने। ओके चलो भाइयों, अभी रात के बज रहे हैं 11, और मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं निकला हूँ बिना जैकेट वैकेट पहन के। और एक बार अभी निकल गया तो निकल गया, अगर अभी दोबारा घर के अंदर गया तो मम्मी बाहर नहीं आने देगी, ठीक है, क्योंकि मम्मी का खौफ है मेरे घर पे, बाहर रात रात को घूमना अलग पहले अलाउड नहीं करती, बट अभी निकला हूँ तो निकल गया। अब जाते हैं फटाफट 2-3 भाइयों से मिलते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से हो गया मैं किसी भाई से नहीं मिला, क्योंकि 2 दिन मेरी बहनें आई हुई थी, तो मैं उनको ही घुमा रहा था यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। आज जा रहे, कल ही आ रहा था, बट कल मेरे को बहुत नींद आ रही थी, तुम्हारा भाई सो गया था फटाफट। अभी जाते हैं, क्रिश से मिलते हैं, करण से मिलते हैं, और एक भाई यूके से आया है, उत्तराखंड से नहीं है, लंदन से, उससे ही मिलाते हैं। चलो सर। भाई भाई के पास मर्सिडीज है, क्या सेक्सी लगती ना भाई, बट भाई ने आज एक बार भी हमको घुमाया नहीं है उस पे, बताओ क्यों? तुम्हें वापस देते हैं क्या था भाई, भाई पे गिरवी आई है एक्चुअली। क्या था मैं भाई आपका? पैसे उधार देना। उधार देते हो? हां। कितने परसेंट पे? 22% पे। लंबा काम। और दोस्ती यारी में? 2%। वैसे हमको लगता तो नहीं है, बट कभी कभी क्रिश को चाहिए थे, क्रिश बात करते तो दिन 400-500 रुपए के लिए। तुम्हें चालू करो, ये पर ऐसे बंद क्यों नहीं हो रही है लाइटें? वो नहीं होंगी यार, मोड नहीं है, कनेक्शन वो है लो है, आज दिखना चाहिए भाई, बाहर थे हम लोग 3 लोग आए, पर ये ऐसे क्यों हो रही है? अच्छा तो लौड़े पहली बार बैठा है ना इसके लिए। ओ वाओ सर, यार थोड़े सैड सॉन्ग चलाता हूं। जिम क्यों नहीं गए वो बताओ? भाई बहुत मूड ऑफ चल रहा है भाई, वही उसको लेके है ना, थोड़ा गलत है बहन के। तो घर वाले क्या कर रहे हो? बात करो ना, करण को भेजो बात करने। नहीं मान रहे भाई, बात हो ही नहीं, मान बात हो ही नहीं, मान नहीं रहे। मैं बात करने जाऊं सही में? अबे तू बोलेगा क्या भाई? लेकिन मेरा मैं बोलूंगा, मेरे पास आया ना जिससे आप शादी करा रहे हो, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है। ये वो भाई तेरे को लग रहा है मेरे घर में चूती है क्या भाई? मैंने इतनी बार बोल दिया मेरे को नहीं करनी है, नहीं रहना है भाई, मतलब इतनी जल्दी शादी कौन करवाता तेरे हिसाब से? गरम नहीं दिख रही क्या भाई? क्या बोल सकते हैं आप, अपने पेरेंट्स को बोलूँ ना? तो मेरे पेरेंट्स माने तो सही भाई, तू बात कर, बोल बोल बोला की अभी मैं क्या बात करूँ, मैं बोलूंगा आके भाई के लिए इतनी जल्दी है 23 का हूँ यार, समझ ही नहीं रहा भाई। मैं बोलूंगा आके, बोलूंगा बेटा पहले आप ये बताओ आप कहाँ से आए हो, तो ऐसा पूछेगा तो क्या बोलूंगा? जो पास्ट है ना मेरे को उसी से है अभी तक के, नाम मत बोलना क्रिश को पता नहीं, ठीक है? अरे क्रिश को पता नहीं कि मेरे को पता नहीं है? मेरे को क्या पता है? देखो नहीं पता है क्या? नहीं, वो जो बताया था एक बार तेरे को। अच्छा हाँ वही वही। और एक घर वाले करा रहे यार एंजॉय। वो पता है क्या, कहाँ की है लड़की, देखो पता है? दिल्ली? नहीं नहीं दिल्ली वाली नहीं, मेरे घर के यहाँ के जो सामने, मतलब घर, मेरे भाई की शादी हुई ना तो वो लोग आए थे उधर, क्या बोलते हैं शादी में, उन्होंने देखे कि मतलब सब अच्छा अच्छा किया है सब ऐसा, तो बार बार मम्मी को बोल रही कि निखिल का कुछ करा नहीं रहे हो क्या, निखिल की कब कराऊंगे ये वो। कैमरा चालू है क्या कहीं? पगली के लग रहा है गेम भर रहा है आज। ये निखिल भाई कुछ नहीं होगा, करण कुछ नहीं होगा, तू कर ले मेरे, कुछ नहीं होगा तो मैं, मेरे हाथ में होता तो मैं पक्का कर देता था।
तू तो एक ही के पीछे खाना खाने भी आ रही, मिलने ये सब कर रही है भाई, एक के पीछे ही है तब से तू। जब से उधर से छोड़ दे, बच्ची है वो, छोड़ दे। देखोगा लग रहा है सिर्फ तेरे साथ बैठती है, हर बंदे के साथ बैठती है भाई। इसको लगता है एक लड़की है इससे मिलने आती है तो इसको लगता है सिर्फ मेरे से ही मिल रही है और किससे नहीं मिल रही है, और असलियत सबसे सेम बात करती है, सबसे फ्लर्ट करती है, हर एक जने से करती है, समझ रहा है। और इसको लगता है कि ये मेरे से ही, वो मतलब इधर हो ना मेरे से ही प्यार करती है। पकड़ा गया तो इधर आ भाई, मेरी मेरी बात छोड़ो भाई, मेरा तो हो जाएगा, देखो तुम फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। बाकी इसका बताता हूँ, इधर जिस लड़की के साथ बैठा तो बातें कर रहा ना, दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो मेरी इससे बात चालू है, मेरी उससे बात चालू है, कुछ नहीं होने वाला भाई, वहाँ कोई तरह पत्ता नहीं कटने वाला, समझा ना। आपकी तो है ना भाई, मेरी सेकंड ऑप्शन तो मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ी ना करनी है, मेरे को तो फाइनल जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्या निकाल रहे जेब से? अच्छा, अरे ये भी जब 24 साल का हूँ तब बता भाई, मैं तो 23 का हूँ, मैं तो 23 का हूँ, गलत है पर सही भाई। वो लड़की बोल रही है कि मेरे को निकल जी घर में, बात ऐसी चल रही है, वो मेरे घर वालों को मना रही है, मेरी मम्मी घर पे स्ट्रिक्ट है। सोचा था आप कितने खुश नसीब हो, क्या कितने खुश, अबे खुश, अबे पगला है क्या भाई, इस एज में कहां मरूंगा भाई जाके, मैं कैसी बात करूंगा तुमसे, देख तुम लोग से भी नहीं मिल पाऊंगा इतना याद। शादी कर लो, ये पागल है, मैं बोला ना गाइस ये बच्चा है, लौड़ा बच्चा है भाई, तू उसी के साथ घूम जिसके साथ हम नहीं घूमे, अपना दुख अपना ही अपने को ही झेलना है भाई, बाकी सिर्फ बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, कुछ नहीं जान दो। बाकी एक क्रिश है जो समझ रहा है, दो तीन दिन सपोर्ट कर रहा है, मेरे को कॉल कर रहा है दिन भर, भाई टेंशन मत लो, क्या करें अभी, आजकल की जनरेशन ही ऐसी भाई, तू क्या लौड़े की टेंशन भाई, तेरे बातों से टेंशन हो गई मेरे को, बोल रहा है सुहागन कैसी बातें करता है भाई तू भी, तो आप उसको उससे बैठ के बात करो, उससे बात क्यों करूं, वो आए थे भाई घर पे, खाना वाना भी खा के गए, क्या बताऊं करूं, और मम्मी मेरी स्ट्रिक्ट है, देखो मैंने पहले मेरी मम्मी नहीं मानती भाई, बिल्कुल नहीं मानती मेरी मम्मी इस मामले में, उसने बोला जैसी अभी कमल की हो गई, अब तेरी भी करा के खत्म जिम्मेदारी नीचे, जल्दी हो गई थी नहीं, मेरे भाई की तो 25 में ही हुई, तो पगले अभी एकदम से थोड़ी शादी होंगी, पहले सगाई होंगी, रोका होगा सगाई होंगी, आराम बोल दो उसको, मम्मी ने बोला था चाहे जो मर्जी कर, एक की हो गई ना लव, अब मेरे को एक अरेंज चाहिए, सीधी साफ बात, हमारा एक का सपना है, एक पार्शियलिटी क्यों आपके साथ भाई, छोटा हूँ ना, छोटे का होता है वो, जब जान दे भाई, ज्यादा प्यार रहता है ना मेरे से, घर वाले बहुत ज्यादा, पापा तो मेरे को सपोर्ट कर रहे ना, बट मम्मी ने बोल दिया, मम्मी की भाई, मम्मी को जल्दी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं मेरा पापा कर रहे ना भाई, मेन बात वो है, तेरा बाप गलत है पैदा करके, मेरा बाप सही है बहुत यार, मम्मी की भी इच्छा है पूरी करना, मेरा भी काम बनता है, मम्मी बोल रही है मम्मी से बात करो आप, अगर मम्मी, बट लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है दिखने में, सब हर चीज बहुत अच्छा है भाई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई, जिससे बातचीत चालू है मेरी दूसरी से, वो नहीं खानी है भाई, उसको बुरा लग जाएगा ना, बातों तो आप दोनों को साथ में बैठाओ और हाथ तक हाथ, बाकी अभी आधे घंटे में भाई दुनिया जान की बातें करने वाला है, बस आधा घंटा रुक जाओ, क्यों ऐसा क्यों, तू बता क्यों, अच्छा नहीं भाई अभी पूरे दुनिया जान की बातें करना, पूरा ज्ञान ज्ञान बांटेंगे अभी तुम लोग को, तुम सुनना आधे घंटे बाद, ठीक है, इसने कौन सी गाड़ी मैंने मर्क सडीज पलड़ी, एक होता है क्या होता है, वो तो कट गया, नहीं वो कट गया, तनिष्क में देख लिए थे भाई को ये आई, ये सब छोड़, दवा दारू है और दारू ही दवा है, तो सर्दी है ना तेरे को, जो पीता है उसके लिए दवा है ना, जो पीता है उसके लिए दवा, ट्राई कर ले पहली बार, ट्राई करता हूँ ना, ट्राई करेगा अभी ये चुप भाई, देखा क्या लेके आया, दिखा ना, अरे शर्माता है भाई बहुत, गाइस बताया ना आपको, देखा क्या लेके आया ना, जो लड़की के पीछे इसको लगता है हर जगह मिलेंगी मेरे से, कंगी ले क्या है कंगी, अच्छा मेरे को तो दे, मेरे को दे ना, मेरी गान मत मारो, पहले बता रहा हूँ कंटेंट पूरा खराब कर दूँ, भाई बताओ गाड़ी बराबर है कि नहीं, थोड़ा अंदर दबाए,
बोल रहा आगे लेके आ। आगे मत लेना, काय के ले? सुन यहाँ दबा दे भाई, यहाँ दबा और फिर वहां से पीछे ले ले भाई। दबाने बोला आप, क्या कर क्या दबाना है? ये गाड़ी दबाना है भाई। अरे हाँ भाई, क्रेटा से क्रेटा को डेंट मारते हुए। क्रेटा है क्या वो पगली के? आप पीछे देखो ना, तुम आगे देखोगे तो कैसे पीछे का कैसे हम लोग आगे में तो मजा है। मैं नहीं खा रहा हूँ। भाई आधे घंटे के बाद ऐसी दुनियादारी की बातें करेगा ना? करेगा ना? ज्ञान देगा कि नहीं देगा भाई? मतलब जो भी दे रहा है उसका नाम क्यों ले रहा है भाई? सुबह सुबह चीजों को देख लिया ना, कौन सी गाड़ी चला छोड़ो बता। फ्रीलैंड का नाम बता दे, बता। हाँ, लैंड रोवर फ्रीलैंड। ये व्लॉग में ही बता रहा है भाई, हवाबाजी कर रहा है तेरे। ये ले हो गया क्या? है क्या वो? हाँ बढ़िया, एक नंबर भैया। जल्दी अच्छा, मैं तो कुछ नहीं हूँ। उसके बाद जो सीन हुआ उसके बाद क्या बताओ? बंद करो। हाँ बता बता। अरे सुनने तो ना, उड़े पब्लिक देख रही चूक के सब 18 इयर्स वालों को पकड़ लिया। उसके घर उनके घर में फोन लगाया और मेरी फट की चार दिन अंदर छुपा हुआ था। कहाँ पे अंदर? एलिवेशन में। हाँ इसको भी बोलता बंद देख के भाग गया मेरा, कोई भी भाग जाएगा लड़ने भाई की। बंद बड़ी तो है बंद। और बता कुछ अपने मतलब लाइफ के बारे में जो लोग सुने और तेरी बात समझे। वो गया था ना, तू घर गया था, हल्दीराम गया था दूसरा गाने। अच्छा अच्छा, और ऐसे कुछ ऐसे मतलब बता कि लोग समझे, लोगों का लाइफ की एक्सपीरियंस बता। निखिल नशे में है। हाँ मैं बहुत नशे में, समझ में नहीं आ रहा है। खाओ जिसने यो कुत्ते का बच्चा ठीक है। देखो भाई, अरे तो क्यों गाड़ में तब क्यों रहा? मैं ये रोटी टेबल नहीं है। हाँ टेबल नहीं है। क्या टेबल नहीं है? टेबल नहीं, टेबल खाली लाइक नहीं। ये खाओ भाई, एक नंबर, मजा आएगा भाई। भूख नहीं है सच में, आपको छोड़ू। लो लो अबे एक पीस खाओ भाई। क्या हो गया भाई, पिक्चर बन गया पूरी? कहाँ किस में डाला तुमने ये स्प्राइट? पानी में। चक चक चक। अरे भाई हाँ हाँ। भाई क्यों रख रहा है भाई? पानी की अहमियत नहीं बताएगा तेरे को? चल चल, तेरे बाप की गाड़ी है ना भाई। व्लॉग के चक्कर में ना तुम्हारा भाई सीधा कट लेता था ऊपर, सामने से गाड़ी आ रही थी। तो चलो भाई, अभी सब लोग को घर छोड़ दिया है, फटाफट अभी जा रहा हूँ अपने घर। और ये व्लॉग को यही एंड करते हैं। सॉरी थोड़ा सा ठंडी के टाइम में कहीं ज्यादा प्लेसेस खुली नहीं होती, जल्दी बंद हो जाती है, तो कहीं गए नहीं, ज्यादा कुछ दिखाया नहीं आप लोग को ठीक है। तो इन लोग को खाना था, मैं तो सिर्फ एक खा दी तंदूरी चिकन और एक दम टिक्के का एक पीस खाया, बाकी कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरी डाइट हो चुकी थी कम्प्लीट। अब मिलेंगे आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल वाइस रनिंग ऑफ। और बाकी ये हफ्ते तो न्यू ईयर भी आ रहा, तो न्यू ईयर की पार्टी भी होगी, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं, वो भी आपको अपडेट करेंगे ठीक है। पार्टी करने की वैसे इच्छा अच्छा तो होती नहीं है। वैसे संडे आ रहा है तो ठीक है, अगर जिम में वैसे भी जिम बंद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तारीख को कोई पार्टी नहीं। एक तारीख मंडे है, शरीफ बच्चे की तरह जाएंगे जिम और जिम करेंगे, क्योंकि पहले दिन अगर जिम करोगे तो साल भर जिम करोगे, पहले दिन दारू पियोगे तो साल भर दारू पियोगे। इसलिए दारू पीना बंद करो, जो भी बंदा पीता है कैंसिल, काटा मारो उस पर, जिम जाओ मंडे को भोलेनाथ का नाम लेके ठीक है। जय बप्पा की।